केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी टीम मथुरा प्रखंड मेहरमा पहुंची हुई थी, जहां से कई प्रत्याशियों की बातचीत हुई हमारी टीम से। हमारी टीम जाने के लिए पहुंची थी उनके मुद्दे, उनके समर्थक, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी नीतियाँ। और इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जब मथुरा पंचायत, तो वहाँ से मुखिया प्रत्याशी कैलाश प्रसाद सिंह से भी बातचीत हुई। कैलाश जी, क्या नई सोच लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लांच टाइम। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन संपत लाल। आज जिस जगह पर हम पहुंचे वो जिला गोड्डा अंतर्गत मेहरमा के मथुरा पंचायत में। सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर के जिस प्रकार से सरगर्मी बढ़ी है, उसी प्रकार वातावरण भी तप्त होता नजर आ रहा है। कहीं भी वातावरण में नमी नहीं दिख रही है। हालांकि पिछले दो दिन बारिश होने की वजह से कुछ आंशिक असर हुआ था, लेकिन आज फिर उसी तरह से ठंड गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। ठंडा तो दूर की बात है, सिर्फ गर्मी ही गर्मी नज़र आ रही है। लेकिन उसी प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायत की अगर बात करें, चुनाव की बात करें, तो सरगर्मी उसी प्रकार बनी हुई है। और आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो है भावी मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि प्रत्याशी जी हैं। और प्रत्याशी से हम बात करेंगे कि आखिर उनके चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, आखिर चुनावी जंग में आने का कारण क्या है। पिछले सत्र में इनका कोई योगदान नहीं था, क्योंकि ये पहली बार चुनाव में आ रहे हैं। लेकिन इनका कार्य जो है वो सदैव समाज के बीच में रहा है। और सदैव चुनाव हो या ना हो, चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन इनका काम समाज के प्रति और हित में है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में इन्होंने जो काम किया, या इसके पूर्व में जो इन्होंने काम किया है, आज उस काम का लाभ इनको 100% मिलने को जा रहा है। जनता हर कोई चाह रही है कि इन्हीं को मतदान करे। क्यों करे, जानते हैं इन्हीं से, इन्हीं के मुख से आखिरकार इन्होंने कोरोना काल में ऐसा क्या काम किया था जो आज जनता इनके साथ है। आइए मिलते हैं प्रत्याशी से जो मुखिया पद के लिए। क्या नाम है सर आपका? कैलाश प्रसाद सिंह। आप चुनाव में हैं और इस बार त्रिस्तरीय पंचायत जहां 7 वर्ष के बाद होने जा रहा है, आपके चुनाव में आने का कारण क्या है? चुनाव में आने का कारण जो है, सही ढंग से जो है सो कार्य पंचायत में नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लोग पक्षपाती ज़्यादा निभा रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। हम भी सोच रहे थे कि कोई अच्छा कैंडिडेट हो, तो उन अच्छे में मेरे मुझ में ही प्रश्न स्वयं हुआ कि हम भी कुछ अच्छा हैं समाज में और अच्छा किए हैं। आज तक कोई मुझे इस 70 साल के उम्र में कोई जाति, कोई कमज़ोर वर्ग का हो, हिंदू मुस्लिम हो, या कोई पंचायत का निर्णय हो, पंच का हो, तो कहीं जो है सो मैं पक्षपात में नहीं हूँ। मैं निस्वार्थ भाव से मैंने हमेशा जो है सो निर्णय लिया, और आज इसका परिणाम यही है कि कोई आज तक इस उम्र में मुझे उंगली नहीं दिखा सकता यहाँ गलत काम किया। मेरा मित्र रहे, मेरा दुश्मन रहे, हम तो किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं। मैं सबको समान मानता हूँ, सब जाति पति को समान मानता हूँ। ये मेरे दिल की बात है। आने का कारण, हम एक बचपन से हमको मुखिया जो जिस समय उम्र था करीब करीब 80 के आसपास से ही हमको जैसे मुखिया में जैसे दोनों उस समय पंचायत नहीं कटा था, उस समय बहुत प्रयास किया हमने, कहा हम जैसे राजनीतिक में नहीं आएंगे, और आज तक जो है सो करते रहे। तो यही सवाल हुआ कि अच्छा आदमी कैंडिडेट होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो मेरे दिल में सवाल हो गया कि मैं क्यों भाग रहा हूँ लोगों से, जब मैं अच्छा आदमी हूँ। कोरोना काल जब आया तो दवाई के चलते जो है सो कोरोना काल में मैंने कुछ दवाई का कॉपी, 15-16 साल का था, दवाई का तो कार्य चल ही रहा था, क्योंकि मैं हमेशा करता नहीं हूँ विशेष, लेकिन हमेशा दवाई के ऊपर सोच जो से करते हूँ, उसका नया निकालना, नया फॉर्म करना, ये सब हम करते रहते थे। तो दो चार ऐसा रोगी का हुआ, दो चार तरह का, जो कि आज जांच के भी दायरे में नहीं आता है, और वो डॉक्टर भी उसका इलाज लगभग नहीं कर सकता, वो मर जाता है बिन पुंज होके। लगता है लकवा जैसा, लेकिन लकवा नहीं, लकवा एक ही होता है, लेकिन 3 तरह का उसमें जो रोग घुसा है वो लगता है लकवा जैसा, और उसका इलाज सही आज तक नहीं है।
तो इसी दरमियान में जो कोरोना हुआ, तो कोरोना में जो है सो हम एक कॉपी निकाले तो 15-16 साल का एक तो नोट था 2 लाइन का, तो हमने सोचा ये दवाई कुछ काम कर सकता है उस, क्योंकि फेफड़े को बहुत सुरक्षित रखता है। और यह प्रयोग जो है सो एक दिल्ली में रोगी था, उठ बैठ नहीं सकता, तो उसका दवा चल रहा था, वो रो रहा था, मेरे संबंधी में था, तो हमने यहाँ से उसको बता दिया, उसका प्रयोग किया और वो जो है सो मतलब ठीक हो गया। यहाँ भी जैसे इसको ऑक्सीजन लगा हुआ था, उन्हें भी वो दवा सिर्फ लगा दिए, उससे वो ठीक हो गया, उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हुआ। हम 10-12 व्यक्ति को दिए, वैसे बहुत प्रयास किए, एमएलए लेके किए, डॉक्टर लेके किए, भागपुर भी प्रयोग किए, लेकिन इतना उस समय भय फैला हुआ था कि कोई मेरा साथ नहीं दिया। डीसी को लेके फेसबुक पे छोड़े, लेकिन वो दवा बहुत कारगर है और हम चाह रहे थे सरकार को भी मतलब उसमें दिए थे कि अगर चाहे सरकार तो हमसे जानकारी इसका ले सकता है, 5 रुपया मात्र उसका कीमत होगा और 5 रुपया में एक रोगी। यानी ये कहा जा सकता है कि कोरोना काल में आपने एक सकारात्मक भाव जो है या सकारात्मक हाँ, और जो भी 10-12 के दिए एक भी पैसा उससे नहीं लिए। चलिए चलिए हमारी बातचीत होती रहेगी क्योंकि ये कोरोना काल का समय नहीं है, कोरोना काल का समय लगभग बीत चुका है, ये चुनावी जंग है और त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव है और हम ज्यादातर बातचीत करेंगे। हम इसमें जो आए हैं, जनता के एक अपील है कि जनता से आप अपील क्या करना चाहेंगे, एक सवाल हमारा है जनता से क्या अपील आप करेंगे। हम जनता से अपील यही सबसे पहले करते हैं कि आप चाहते क्या है जनता को, आप आपके टोला में, आपके मोहल्ला में, आपका जो कानूनी दायरे के अंदर, संविधान के अंदर और सरकार जो देती है उसके अंदर आता है, तो उस चीज़ को हम मानते हैं कि अगर मेरा हमको अवसर मिला तो हम ये चीज़ पूरा करेंगे, और जो चीज़ मेरे दायरे से बाहर है या अधिकार से बाहर होगा उसमें तो मेरा कोई बस नहीं चलेगा उसमें। यानी कहने का मतलब है कि सरकारी योजनाओं को आप सरजमीन तक लाएंगे। हाँ लाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त के साथ। हम इसलिए भी खड़ा हूँ, कोई प्रश्न किया कि इतना जो भ्रष्टाचार हुआ क्या, हम कहे हम लड़ेंगे, तो आप अकेले क्या कर कीजिएगा, हम अकेले बहुत, हम भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाएंगे समाज में। जाति पाति का जो है ये जो खाई है इसको हम पटेंगे और पटे भी हैं, ठीक है। हर आदमी में प्रेम भाव जगाएंगे, अच्छा से अच्छा कार्य जहाँ तक होगा वहाँ तक हम करेंगे। कहने का मतलब है कि एक आदर्श पंचायत आप देंगे। हाँ हम आदर्श पंचायत के ख्याल से इसमें आए हैं, तो इस सवाल ने मुझे इस मतलब चैलेंज हमने स्वीकार किया और जनता के बीच में आ गया कि कुछ हम अच्छा करके दिखाएं, एक आदर्श पंचायत बनाए, किसी को मतलब शिकायत का मौका नहीं दें। जनता आपको क्यों वोट करेगी, एक सवाल है हमारा। मेरा जीवन जो मेरा चरित्र रहा, मेरा जो कार्य रहा समाज में, इसके चलते लोग बहुत खुश है। हम जितना नहीं सोच रहे थे कि आजकल का जो जो बिगड़ता हुआ माहौल में अच्छाई का सम्मान करेगा, लेकिन हम जो 4 दिन घूमे तो मेरा मन जो है गदगद हो गया, मेरे अच्छाई का फल मिल गया। जीते या हारे हमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इसमें किसी स्वार्थ से नहीं गया हूँ, मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ कि ऐसा सेवा करूं कि मरने के बाद भी नाम रहे कि हाँ ऐसा मुखिया था, ऐसा काम किया। आपका एक सवाल और है कि कोरोना काल में आपके द्वारा क्या काम किया गया, थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए दूसरा मेरा काज, मैं किसान हूँ, मैंने कभी नौकरी को पसंद नहीं किया, मैं एसी में था और उस समय बाबूजी का तबीयत खराब हो और मैंने जो पढ़ाई छोड़ दिया, बाबूजी के साथ रहा और बाबूजी नहीं ठहरे, इसके बाद मैं जो सो गृहस्थ आश्रम में आ गया और स्वतंत्र दिमाग का आदमी हूँ, इसलिए मैं किसी के बंधन में, नौकरी तोकरी के बंधन में पढ़ना नहीं चाहता था, इसमें आधार रोटी भी वो वही मैं पसंद करता था। और मैं आयुर्वेद का, मेरे बाबूजी आयुर्वेद का कुछ जानकार थे, कुछ उनका पुस्तक था, तो हम लोगों में कुछ भी अगर होता था तो इलाज करता था बारी, फिर वही होता था, तो हमने किताब उल्टा के जैसे देखा और उसका जो प्रयोग किया तो हमको बहुत लाभ मिला और दूसरे को भी लाभ मिला। इसके बाद इसमें कुछ समय मैंने व्यतीत किया। नमस्कार, हमारी बातचीत हो रही थी मुखिया भावी प्रत्याशी से, जो मधुरा पंचायत के मुखिया भी हैं, जो वर्तमान में अपना दावेदारी भी किए हुए हैं और आगामी दिनों में यह देखना है कि आखिरकार इनके कार्य को जनता कितना सराहती है। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है चुनाव जीते या ना जीते, जिस प्रकार हम जनता की सेवा करते रहें हम करेंगे।
लेकिन इनका एक बात जरूर राय है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति को आप चयन करें जो आपके बीच और आपके समस्याओं का समाधान करते हैं। साथ ही इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत देंगे, यानी कि एक आदर्श पंचायत बनाने का ये पूर्ण दावा करते हैं यदि इनको जनता एक बार मौका देती है और अपने पंचायत का सेवा करने का मौका देती है। धन्यवाद। लौटते हैं स्टूडियो की ओर। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।